हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो सीरीज चल रहा है CGPSE मेंस ACF रेंजर में जो फिजिक्स का पोर्शन है, इसके हमारे प्रीवियस वीडियो आप लोगों ने देखा है उसमें हमारा जो सीरीज चल रहा है, अभी हम लाइट पढ़ रहे हैं, उसका नेक्स्ट वीडियो अभी हम पढ़ रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रीवियस वीडियो भी आप लोगों ने देखा होगा, तो फर्स्ट पार्ट में मैंने प्रकाश के अपवर्तन को समतल पृष्ठ से आपको एक्सप्लेन किया था। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन गोली पृष्ठ से, क्लियर। तो अब हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन गोली पृष्ठ से। गोली पृष्ठ से अपवर्तन, देखिए आपने यदि प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले मेरा आपको सजेशन है कि आप इसके पहले के वीडियो हमारे चैनल में जाके आप प्लेलिस्ट में पहले देखिए, क्योंकि फिजिक्स में जो सीरीज़ है वो आपको जब तक पीछे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आगे का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। तो हमने पहले चैप्टर में इसके पूरे फंडामेंटल क्लियर किया हुआ है, जहाँ पर हम अपवर्तन को एक्सप्लेन किए हैं। एक बार मैं आपको रिपीट करता हूँ, प्रकाश के अपवर्तन का मतलब है कि प्रकाश की किरणें जब एक समांगी माध्यम से होकर किसी दूसरे समांगी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। दैट मीन्स उनको जिधर जाना था उससे हट के या तो अभिलंब की ओर झुकती हुई चली जाती है या अभिलंब से दूर चली जाती है, ये अपवर्तन होता है। ये हमने पढ़ा समतल पृष्ठ से, इस तरह से हमने पढ़ा कि सपोज ये कोई समतल पृष्ठ है, ये प्रकाश की किरण हम आपतित किए, ये अभिलंब खींचे और ये क्या होता है अपने मार्ग से विचलित होकर चली जाती है। ये जो अपवर्तक सतह है यहाँ पर ये समतल है, लेकिन अब हमको पढ़ना है क्या गोली पृष्ठ, मतलब ये जो पृष्ठ है वो क्या हो गोली हो। तो इस तरह से हो, देखिए गोली पृष्ठ हो, जैसे यहाँ पर मैं आपको दो एग्जांपल दे रहा हूँ। ये एक पृष्ठ है इस तरह से, सपोज ये ग्लास का है, ये पूरा टुकड़ा ग्लास का है और इस पृष्ठ को आप देख रहे हैं। अब ये गोली है जो कि अंदर की दबा हुआ है, जिसको हम क्या कहते हैं अवतल पृष्ठ कहते हैं, जो कि गोली है। अब यहाँ पर मान लो यहाँ कोई वस्तु है, यहाँ से मैं प्रकाश की किरण आपतित करूँ इस तरह से और यहाँ पर मैं अभिलंब खींचूँ, मान लो इसका केंद्र है तो यहाँ पर मैं अभिलंब खींचूँगा तो ये क्या है विरल से सघन में जाने के कारण अभिलंब की ओर झुकती हुई ऐसे चली जाएगी। ये है गोली पृष्ठ से अपवर्तन। इसी तरह से उत्तल पृष्ठ से भी होता है, सपोज ये उत्तल पृष्ठ है, उत्तल मतलब उठा हुआ, ये उत्तल पृष्ठ है और यहाँ पर यदि हम प्रकाश के किरणों को इस प्रकार से आपतित करें तो इसका वक्रता केंद्र इधर है, ये तो ये इधर झुकती हुई चली जाती है इस तरह से। यहाँ पर आप देखिए कि जब पृष्ठ अवतल होता है तो प्रकाश की किरणें क्या होती हैं इधर फैलती हुई जा रही हैं, क्लियर। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रकाश की किरण क्या है केंद्र की ओर केंद्रित हो रही हैं इस प्रकार से। आगे मैं आपको इसको समझाऊंगा कि ऐसा इसका बिहेवियर क्यों होता है। तो ये है गोली पृष्ठ से अपवर्तन। अब गोली पृष्ठ से अपवर्तन के बेस पर जो हमको पढ़ाई करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आप जिस तरह के भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपियर होंगे सब में काम आएगा। एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए, जो जनरली अपने फिजिक्स के हर क्लास में मैं ये बात क्लियर करता हूँ कि कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे आप व्यापम का दे रहे हो, चाहे PSC का दे रहे हैं, ACF कोई भी दे रहे हैं, यदि उसमें आपका फिजिक्स का सिलेबस है तो आप उस सिलेबस को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके समझिए। यदि आप सिर्फ उसको पॉइंट टू पॉइंट फैक्ट्स को, जैसे हम ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट में पॉइंट्स को सपोज रट लेते हैं, उस तरह से भी आप उसको रट लिए तो आप कभी प्रॉपर आंसर नहीं दे पाएंगे। इसलिए मेरा आपको सजेशन है कि एक बार आप अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, फिर आपके सभी एग्जाम में, वो एक जनरल साइंस में भी, जनरल साइंस के भी जो क्वेश्चन आते हैं वो सब में आपको काम आएगा। इस प्रकार से डिटेल स्टडी करना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम कुछ गाइड बुक खरीद लिए और उसमें पॉइंट टू पॉइंट हम उसको रटते चले जा रहे हैं कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है और कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर ही नहीं है कि क्यों किया जाता है। कि एक बार यदि आप मेहनत करके अच्छे से फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को प्रॉपर समझ लेंगे वो फार एवर प्रिपेयर हो गया आपका, वो हमेशा के लिए प्रिपेयर हो गया। इसी पर्पज़ के लिए ये मैं स्पेशली आप लोग के लिए ऐसा वीडियो बना रहा हूँ कि एक बार मेरे स्टूडेंट्स यदि फिजिक्स को अच्छे से समझ जाएँ
तो किसी भी कॉम्पिटिटिव में बैठेंगे, एक बार रिवाइज करने के बाद किसी भी तरह का आंसर वो दे पाएंगे। क्लियर? तो आज हम स्पेशली इस चैप्टर में जो पढ़ने वाले हैं वो लेंस है, और लेंस प्रकाश का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। लेंस से जनरली क्वेश्चन हर एग्जाम में कवर होता है। तो देखिए हम पढ़ते हैं लेंस। लेंस एक्चुअल में है क्या? लेंस तो हर कोई जानता है, लेंस नाम को हर कोई सुना होता है, लेकिन लेंस एक्चुअल में है क्या, इसकी परिभाषा क्या है, लेंस हम किसको कहेंगे? तो लेंस में दो खास बात होती है। पहली है कि लेंस दो सतह से मिलकर बना होता है। लेंस जरूरी है कि लेंस में दो सतह हो, और दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि कम से कम इसका जो एक सतह हो वह गोली हो, दूसरा कुछ भी हो सकता है। मैंने लिखा है कम से कम एक सतह क्या हो, गोली हो, और जो दूसरा सतह है, क्योंकि मैंने बताया कि लेंस में दो सतह होते हैं, तो दूसरा सतह गोली भी हो सकता है और समतल भी हो सकता है। इस प्रकार से लेंस की क्या परिभाषा हो जाएगी, यदि हमको पूछा गया कि लेंस किसे कहते हैं, लेंस क्या है, तो हम परिभाषा में क्या लिखेंगे, दो सतहों से मिलकर बना ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसका कम से कम एक सतह गोली हो, क्या कहलाता है, लेंस कहलाता है। क्लियर? तो मैंने दो लेंस के दो नेसेसरी कंडीशन बताया। पहला ये कि लेंस में टू सरफेसेस होना चाहिए, दो सतह होना चाहिए, और उसमें कम से कम एक सतह को गोली होना चाहिए। इस तरह से लेंस के प्रकार, अब हम देखते हैं लेंस के प्रकार। तो इस हिसाब से लेंस के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, एक उत्तल, इंग्लिश में इसको बोलते हैं अपन कॉन्वेक्स, और दूसरा होता है अवतल। अवतल इंग्लिश में बोलेंगे कॉनकेव। ये दो लेंस के प्रकार होते हैं। अब उत्तल लेंस हम किसे कहते हैं, देखो इस प्रकार से, ये वाला पृष्ठ पहला पृष्ठ और ये इसका दूसरा पृष्ठ, ये दोनों पृष्ठ क्या हो, उठे हुए हो, ऊपर के उभरे हुए हो, तो इस तरह के लेंस को हम क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स लेंस या उत्तल लेंस कहेंगे। अवतल लेंस का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर इसके दो पृष्ठ हैं, एक पृष्ठ बाएं तरफ बना रहा हूँ मैं, ये अंदर की ओर दबा हुआ हो ये, और दूसरा पृष्ठ भी अंदर की ओर इस तरह से दबा हुआ हो, तो इसे हम क्या कहेंगे, अवतल लेंस कहेंगे। ये उत्तल लेंस है, ये अवतल लेंस है। उत्तल लेंस का एक और नाम है, इसको हम कहते हैं अभिसारी लेंस। अभिसारी मतलब कन्वर्जिंग, ये कन्वर्जिंग लेंस या अभिसारी लेंस कहलाता है, और अवतल लेंस को हम अपसारी या डाइवर्जिंग लेंस अपन कहते हैं। ये ऐसा क्यों कहते हैं, क्यों उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, वो इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें जब हम प्रकाश की किरण आपतित करते हैं तो यह इसको क्या करता है, केंद्र की ओर, मुख्य अक्ष की ओर मोड़ता है, मतलब इकट्ठा करता है। अभिसारी का मतलब होता है प्रकाश की किरणों को क्या करना, जो फैलती हुई प्रकाश की किरणें हैं उसको केंद्रित करना, किसी एक बिंदु पर इकट्ठा करना, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। लेकिन अपसारी का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पर मैं कोई प्रकाश किरण इस प्रकार आपतित करूँ तो ये फैल जाती है, यहाँ पर देखो ये इधर केंद्रित हो रही है और ये क्या हो रही है, ये फैल रही है। यहाँ पर एक और प्रकाश किरण आपतित करूँ तो ये भी इधर केंद्रित होंगी। तो यहाँ पर अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर केंद्रित होती हैं, इसलिए इसको हम अभिसारी लेंस कहते हैं। जैसे कभी आपको क्वेश्चन आया कि मान लो एक नंबर दो नंबर का क्वेश्चन आया, उत्तर लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्यों, तो आप आंसर में क्या लिखोगे, चूंकि उत्तर लेंस प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है इसलिए उसको अभिसारी लेंस कहा जाता है। और ये क्या है, प्रकाश की किरणों को फैलाता है। अपसारी मतलब होता है फैलाना, डाइवर्ज करना, ये कन्वर्ज करना और वो डाइवर्ज करना, ये कहलाता है। तो ये मैंने इंट्रोडक्शन दिया आपको उत्तर लेंस और अवतल लेंस का। वैसे इसके और प्रकार होते हैं लेकिन उतना डेप्थ में मतलब नहीं है, पर मैं आपको नाम को बस बता दूं। जैसे उत्तर लेंस को और हम पार्ट में बांटें तो देखिए, मान लो इसके हम एक सतह को, एक को समतल कर दें, एक को उत्तल कर दें। ऐसा अभी मैंने बताया कि लेंस में दो सतह होते हैं जिसमें कम से कम एक सतह क्या हो, गोली हो। तो देखिए एक सतह यहाँ पर गोली है और एक सतह क्या है, समतल है, तो इसको समतलोत्तल, समतल धन उत्तल, समतलोत्तल ऐसा लेंस कह देते हैं। और यदि हम इसके इस पृष्ठ को ऐसा अवतल कर दें
और उधर को उत्तल कर दें, तो अवतल उत्तल, अवतल उत्तल लेंस कहलाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी देखें तो एक तो एक तल को समतल कर दूं एक को अवतल तो समतलावतल कहलाता है, और एक को उत्तल कर दें दूसरे को अवतल तो उत्तल अवतल लेंस कहलाता है। ये इस प्रकार से भी हम देखें तो लेंस के 6 प्रकार होते हैं, ये 3 उत्तल लेंस, फिर समतलोत्तल, अवतलोत्तल और ये। लेकिन हम जनरली 2 प्रकार ही लेकर उसकी पढ़ाई करते हैं, एक इस प्रकार से उत्तल लेंस और ये जो मैं स्टार्टिंग बताया था आपको ये अवतल लेंस। ये है एक्चुअल में उभयोत्तल है, ये उभय उत्तल मतलब दोनों तल क्या है उत्तल, लेकिन हम उसको 60 फॉर्म में उत्तल लेंस कह देते हैं। अब हम इसको इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि एक्चुअल में ये लेंस में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ये इमेज कैसे बनाते हैं, प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं, ये सब हमको सीखना है। जैसे आपको दर्पण के चैप्टर में परावर्तन में मैंने आपको सिखाया था कि दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है, इस चैप्टर का भी मुख्य पार्ट क्या है, प्रतिबिंबों का बनना है। तो सबसे पहले हम इस लेंस के बारे में पढ़ते हैं कि प्रतिबिंब कैसे बनता है इसे, ठीक है। प्रतिबिंब का बनना या प्रतिबिंब रचना के नियम, प्रतिबिंब रचना के नियम कि किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब के बारे में आप हमारे पीछे के वीडियो आदि आपने देखा होगा, हमने परावर्तन के 2 वीडियो, अपवर्तन के इस तरह से हमने प्रकाश के बहुत से वीडियो बनाए, उसमें आपने पढ़ा है। मैं स्टार्टिंग में ही बताया था, एक बार आपको रिवाइज कराता हूँ कि प्रतिबिंब का मतलब होता है अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात जब 2 या 2 से अधिक प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर मिलती हैं तो वह बिंदु क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। और ये 2 प्रकार का मैंने बताया था, आभासी और वास्तविक। आभासी हमेशा सीधा होता है, वास्तविक हमेशा उल्टा होता है। मैं एक बार फिर आपको याद दिला रहा हूँ कि आप में से जितने स्टूडेंट सीधा मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसको कंप्लीट करने के बाद प्रीवियस वीडियो को जरूर वॉच करें, तो आप एक फ्लो में आपको सब चीज़ तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए प्रतिबिंब रचना के नियम, तो प्रतिबिंब बनाने के लिए सपोज मैं यहाँ पर देखिए एक उत्तल लेंस बनाता हूँ, और इस प्रकार से मैं आपको प्रॉपर डायग्राम इसलिए ड्रा करके बता रहा हूँ कि आप जब रे डायग्राम ड्रा करेंगे मेंस के एग्जाम में तो इसी तरह से फॉलो करेंगे जैसे मैं बोल रहा हूँ। ऐसा करने के बाद आपको उत्तल लेंस बनाना है, तो उत्तल लेंस बनाना है तो यहाँ पर आप ये डॉटेड लाइन खींच लीजिए, जितनी लंबाई आप ऊपर लेंगे उतनी लंबाई आप नीचे लीजिए। फिर यदि आपको फ्री हैंड नहीं बनता तो राउंडर के हेल्प से, मैं तो यहाँ पर आपको फ्री हैंड इस प्रकार से बता देता हूँ, ये है उत्तल लेंस। ऐसा प्रॉपर आपका लेंस बनना चाहिए, लेंस का ऊपर का लेंथ नीचे का लेंथ बराबर होना चाहिए, थिकनेस भी होमोजीनियस होना चाहिए। ये उत्तल लेंस है। यहाँ पर मैं सबसे पहले इसके अंगों के नाम को, और यहाँ पर मैं पैरेलल अवतल लेंस को भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अवतल लेंस बनाने के सबसे पहले ये आप मुख्य अक्ष बना लेंगे, उसके बाद जितना बड़ा आपको लेंस बनाना होगा ये डॉटेड लाइन ले लीजिए, लगभग दोनों की लंबाई बराबर हो ऊपर नीचे। इसके बाद यहाँ पर जितना लेंथ का ये आप लाइन लेंगे उतना लेंथ का लाइन नीचे ले लीजिए, और एक रिफरेंस पॉइंट लेके इसको मिला के आप ऐसा, और इसको मिला के इस तरह से लेंस आप बना लीजिए, ये हो जाएगा अवतल लेंस। इस तरह से आपका लेंस बनना चाहिए। अब इसके पार्ट्स को हम देखते हैं कि कौन कौन सा पार्ट्स क्या कहलाता है। तो यहाँ पर जो सेंटर में जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट को हम दर्पण में इसको ध्रुव बोलते थे, यहाँ पर यह कहलाता है प्रकाश केंद्र, प्रकाश केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर। देखिए मैं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को भी ध्यान में रख के बायलिंगुअल पढ़ा रहा हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है प्रकाश केंद्र, इसको हम प्रदर्शित करते हैं ओ से, ओ मीन्स होता है ऑप्टिकल सेंटर। इसके बाद यहाँ एक फोकस होता है F1, ये इसका प्रथम मुख्य फोकस कहलाता है, और दाईं ओर भी एक पॉइंट होता है इसको हम कहते हैं F2, ये इसका द्वितीय मुख्य फोकस कहलाता है। तो इसमें 2 मुख्य फोकस होते हैं, बाईं तरफ प्रथम मुख्य फोकस, यहाँ पर भी इसको हम ऑप्टिकल सेंटर कहेंगे, यहाँ पर एक फोकस होगा F1 और इधर एक फोकस होगा F2। जैसे दर्पण में वक्रता केंद्र होता था उसी प्रकार यहाँ से इसके ठीक डबल डिस्टेंस में 2F1 पॉइंट होगा और यहाँ पर क्या होगा 2F2, मतलब इसका दुगुना ये होता है। और ये जो लाइन है, ये जो सीधी रेखा है, इसको हम इसका क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, ये लाइन कहलाता है मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष
प्रिंसिपल एक्सिस ये कहलाता है। अब यहां पर हम देखते हैं कि प्रतिबिंब रचना के नियम, यहां पर प्रतिबिंब किस किस प्रकार से बनता है। तो देखिए, जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है, पहला नियम आपको बता रही है, ये पहला नियम, जो प्रकाश की किरण ये जो मुख्य अक्ष है उसके समानांतर आपतित होती है। देखिए, ये प्रतिबिंब रचना के नियम आपको समझना जरूरी है। जब तक आप रूल्स को नहीं समझेंगे तब तक आपको रे डायग्राम नहीं बनेगा। तो जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है वो अपवर्तन के पश्चात ये द्वितीय मुख्य फोकस से होके जाती है। ये क्लियर, जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है वह अपवर्तन के पश्चात द्वितीय मुख्य फोकस से होकर जाती है, पहला रूल। दूसरा रूल, जो प्रकाश की किरण प्रकाश केंद्र से होकर आती है वो सीधी निकल जाती है, ये दूसरा नियम है। जो प्रकाश की किरण, यही नियम उसमें भी लागू होगा एग्जैक्ट। तो जो प्रकाश की किरण क्या होता है, प्रकाश केंद्र से होकर जाती है वो मूर्ति नहीं, वो सीधी निकल जाती है, क्लियर। और तीसरा रूल है, जो प्रकाश की किरण फोकस से होकर आपतित होती है, ये फोकस पॉइंट है, हमने यहाँ से होकर आपतित किया तीसरा, तो ये क्या होती है, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। इस प्रकार से आपको तीन नियम एक बार रिवाइज कराता हूँ। देखिए, जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है वह अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है, जो प्रकाश की किरण प्रकाश केंद्र से होकर आती है वह सीधी निकल जाती है, जो प्रकाश की किरण फोकस से होकर आती है वह अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। इस प्रकार से यहाँ पर नियम होता है। यहाँ पर भी वैसे ही है, देखिए पहला मैंने बताया, जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है वो फोकस से जाती नहीं, फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है, ये फोकस इधर, क्योंकि डाइवर्ज करते हैं इसको अपन, तो ध्यान रखिए, यो प्रकाश इसके मुख्य अक्ष के समानांतर फोकस से जाती है, ये फोकस से जाती नहीं, फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है, इसलिए मैंने पीछे क्या किया, डॉटेड लाइन बनाया। दूसरा नियम क्या है, पहला नियम यह, दूसरा, जो प्रकाश केंद्र से जाती है वो सीधी निकल जाएगी। तीसरा नियम मैंने बताया, ये जो फोकस से होके जाएगी, यदि आप इसको फोकस से होके लेके जाएंगे तो ये क्या होती है, इस प्रकार से फैल जाती है, दूसरी ओर चली जाती है, मतलब जैसे इसको हम फोकस से होके लेके जाएं तो डाइवर्स कर दिया इसने, अब यहाँ पर आप फोकस से होके ले जाएंगे तो और इधर से ये फैल जाती है इस तरह से, क्लियर। तो ये है तीन नियम यहाँ पर, और ये तीन नियम तो जिसमें से हम ये पहले और दूसरे नियम को लेके कोई भी चित्र को बनाते हैं। अब देखें, चित्र बनाने से पहले मैं आपको एक बात और समझा दूँ, चिन्ह परिपाटी, ये मैंने पिछले की वीडियो में भी आपको ये समझा दिया हूँ लेकिन एक बार और मैं रिवाइज करा दूँ, चिन्ह परिपाटी साइन कन्वेंशन, ये जब भी आप इसके, जब इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह बनाएंगे आप, या कई बार आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, चिन्ह परिपाटी का मतलब क्या होता है कि जब इसके डिस्टेंस लिए जाते हैं तो डिस्टेंस को किस रूप में लिए जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप ध्यान में रखिए कि सभी दूरियों को प्रकाश केंद्र से मापा जाता है, जितना भी दूरी आप मापेंगे वो कहाँ से मापेंगे, प्रकाश केंद्र से मापेंगे। वस्तु की जो दूरी होती है प्रकाश केंद्र से वस्तु, यह मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दूँ, ओ से वस्तु के बीच की जो दूरी होती है उसको हम यू से प्रदर्शित करते हैं, मतलब प्रकाश केंद्र से वस्तु के बीच की दूरी को यू से, दूसरा ओ से प्रतिबिंब की दूरी, ओ से प्रतिबिंब के बीच की जो दूरी है उसको हम वी से प्रदर्शित करते हैं, तीसरा ये कि प्रकाश केंद्र से फोकस के बीच की दूरी को हम किसे प्रदर्शित करते हैं, एफ से प्रदर्शित करते हैं फोकस दूरी को। और रूल्स क्या कहता है, आपतित किरण की दिशा में जो मापी गई दूरी है इस दिशा में उसको हम धनात्मक लेते हैं, और आपतित किरण के विपरीत इस दिशा में मापी गई दूरी को हम क्या लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं। आपतित किरण की दिशा मापी गई दूरी को धनात्मक, ये जो हम आपतित किरण, ये देखिए क्योंकि वस्तु को हम हमेशा लेंस के बाईं ओर रखते हैं, ये भी नियम है कि वस्तु को हम लेंस के दाईं ओर नहीं रख सकते, जब भी वस्तु रखेंगे उसको लेंस के बाईं ओर रखेंगे। और आपतित किरण, ये आपतित किरण है, इसके यदि हम विपरीत दिशा में जाएं तो उन दूरियों को क्या लेते हैं, अपन ऋणात्मक लेते हैं। तो ये फंडामेंटल आप ध्यान में रखेंगे तो फिर आप इसे प्रतिबिंब बनाएंगे। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रतिबिंब रचना। तो आपको दर्पण का यदि याद होगा तो आपको पता है कि वहाँ पर हमने उत्तल के लिए, उत्तल दर्पण के लिए एक इमेज बनाया था
और अवतल के लिए छः बनाया था, यहाँ पर ठीक उल्टा होता है। ठीक उल्टा होता है मतलब यहाँ उत्तल लेंस के लिए छः प्रतिबिंब का पोजीशन है और अवतल के लिए एक है। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना, यही इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए अब हम देखते हैं उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बनना। देखिए आपको रूल्स याद, ये सब क्या है, ये फिजिक्स का ये जो पोर्शन है बहुत टेक्निकल पोर्शन है, यदि आप इन चीजों को एक बार समझ गए तो बहुत ही आसान है। देखिए उत्तल लेंस से प्रतिबिंब रचना, इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉन्वेक्स लेंस। तो ये कॉन्वेक्स लेंस से प्रतिबिंब रचना से पहले आपको मैं एक चार्ट प्रोवाइड कराता हूं, सबसे पहले आपको उस चार्ट को लर्न करना होगा। तो मैं एक सिस्टमेटिक यहां पर चार्ट ड्रा कर देता हूं, इस चार्ट के हेल्प से आप उसको समझेंगे। मैं राइट साइड में फिगर बना बना के आपको एक्सप्लेन करूंगा और यहां पर मैं अपने बोर्ड को टू पार्ट में डिवाइड कर देता हूं इस तरह से। तो यहां पर देखिए सबसे पहले हम वस्तु की स्थिति के लिए चार्ट बनाएंगे। ये वस्तु की स्थिति सबसे पहले अपन लिख देते हैं नंबर, वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, उसकी आकृति और उसकी प्रकृति। ये यहां पर देखिए ये चार्ट आपको प्रॉपर प्रिपेयर होना चाहिए, अदरवाइज आपसे एक भी फिगर नहीं बनेगा। तो ये क्रमांक है, क्रमांक, इसके बाद वस्तु की स्थिति, ये है वस्तु की स्थिति, यह है प्रतिबिंब की स्थिति, इसके बाद यह है उसकी आकृति मतलब वो कितना बड़ा बनेगा, और यह है उसकी प्रकृति मतलब उसका बिहेवियर कैसा होगा। तो फर्स्ट नंबर, सबसे पहले वस्तु कहाँ पर होगा, तो सबसे पहले वस्तु को हम कहाँ रखेंगे, अनंत में। अनंत मतलब अननोन प्लेस, वहाँ से हम आते जाएंगे। दूसरे पोजिशन में हम उसको रखेंगे अनंत और 2F के बीच में, जैसे दर्पण में हम अनंत और प्रकाश केंद्र के बीच रखते थे। तीसरा फिर रखेंगे कहाँ पर, 2F में। चौथा फिर हम रखेंगे उसको 2F और फोकस के बीच में, और पांचवें कंडीशन में रखेंगे हम फोकस पर, और छठवें कंडीशन को मैं अलग कर देता हूँ क्योंकि इसका नेचर सबसे अलग है। ये सिक्स पोजिशन में वो रहेगा F और O के बीच मतलब फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच। अब आपको प्रतिबिंब की स्थिति जानना है तो रटने की जरूरत नहीं, उसको मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ। जिस तरह से आप इसको ऐसा सीधा लिखे हैं उसको आप उल्टा लिख दो, यहाँ से उल्टा लिख दो तो आपको प्रतिबिंब की स्थिति पता चल जाएगा। मतलब सबसे पहले कहाँ अपन लिखेंगे, एफ में, उसके बाद 2F और F के बीच में, उसके बाद कहाँ 2F में, फिर इन्फिनिटी और 2F के बीच में, फिर किस में, अनंत। मतलब ठीक उल्टा होता है। कहने का मतलब क्या, यदि वस्तु अनंत में हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस में, और ठीक उल्टा होता है, यदि वस्तु फोकस में हो तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है, अनंत में बन जाता है। ये लेंस की खासियत है। मतलब वस्तु और प्रतिबिंब के स्थिति को इंटरचेंज करें तो कोई फर्क, ये वस्तु है तो ये प्रतिबिंब है, यदि इसको वस्तु कर दूं तो ये प्रतिबिंब बन जाएगा, क्लियर। और छठवां पोजिशन जो होता है उसमें ये बनता है वस्तु की ओर, इसमें प्रतिबिंब की स्थिति क्या, जिधर वस्तु होता है उधर प्रतिबिंब बनता है। अच्छा आकृति देखिए, सबसे पहले ये बिंदु आकार का बनता है मतलब बहुत छोटा सा, उसके बाद वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, बिंदु से बड़ा बन जाता है लेकिन वस्तु से छोटा। तीसरे नंबर में वो बन जाता है वस्तु के बराबर, जितना बड़ा है उतना ही बड़ा, उसके बाद फिर लगातार बढ़ते जा रहा है, पहले बिंदु आकार, फिर वस्तु से छोटा, वस्तु के बराबर, फिर वस्तु से बड़ा, फिर वस्तु से बहुत बड़ा, इस प्रकार से बनता है। और इसकी प्रकृति कैसी होती है, ये सभी पांच पोजिशन में ये क्या होता है, उल्टा उल्टा होता है, इसलिए क्या होता है, वो वास्तविक होता है, क्योंकि उल्टा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है, ये सब उल्टा और वास्तविक। यदि आपने ये चार्ट प्रिपेयर कर लिया तो लेंस का पूरा चैप्टर आपको तैयार है, ये मान के चलिए, ये पूरा की पॉइंट है, ये इसी पर पूरा लेंस का चैप्टर बेस्ड है।
इसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने इसको छोड़ के रखा है, तो ये भी बड़ा बनेगा, छोटा होगा नहीं, बहुत बड़ा होगा। और अब यह उल्टा नहीं बल्कि क्या होगा, सीधा हो जाएगा। छठवां पोजीशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन है, सीधा होगा, और सीधा होने के कारण क्या होगा, ये आभासी होगा। सीधा होने के कारण ये आभासी होगा। इस तरह से ये हमारे उत्तल लेंस से प्रतिबिंब रचना के 6 पोजीशन हैं। अब हम वन बाय वन एक एक फिगर को बनाते जाते हैं। सबसे पहले अपन प्रैक्टिस करते हैं कहाँ पर, वस्तु कहाँ पर, अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो, देखिए मैंने आपको भी लेंस बनाना सिखाया, एक बार और आपको बता दूं मैं। इस तरह से सबसे पहले आप मुख्य अक्ष ड्रा करिए। मुख्य अक्ष ड्रा करने के बाद यहाँ आप इस तरह से डॉटेड लाइन बना लीजिए, और अंदाज से फिर आप इसको ऐसा या फिर राउंडर के हेल्प से आप बना लेंगे। ये उत्तल लेंस हो गया। अब वस्तु कहाँ पर है, अनंत पर है। तो अनंत में स्थित वस्तु को हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो उसे चलने वाली प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष के समान, ये बहुत आसान फिगर है। मतलब अनंत में कोई वस्तु है, हमने इमेजिन कर लिया अनंत में कोई वस्तु है, तो अनंत से चलने वाली प्रकाश की समानांतर किरणें कहाँ पर मिलेंगी, फोकस पर मिलेंगे। अभी रूल बताया मैं आपको, तो ये जाके फोकस में मिलेंगे और यहाँ पर क्या होगा, इसका इमेज बनेगा, जो कि कैसा बनेगा, बिंदु के आकार का बनेगा। कहाँ पर बन रहा है, फोकस पर बन रहा है, ये द्वितीय मुख्य फोकस पर बन रहा है। तो अनंत पर वाला फिगर तो बहुत आसान है, इसमें बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फिगर है ये छठवां नंबर का फिगर इम्पॉर्टेंट है, और ये फोर्थ नंबर का। वैसे सब प्रैक्टिस सबका करना है आपको, तो क्लियर आपको। अब मैं सेकंड नंबर में आपको बता दूं दूसरे नंबर का पोजीशन क्या है। देखिए जब अनंत और 2f के बीच में हो, तो सेकंड नंबर इन्फिनिटी और 2f, तो इस तरह से आप लेंस बना लीजिए। लेंस बनाने के बाद ये, अब मैं थोड़ा फ्री हैंड बना रहा हूँ फटाफट आपको समझाने के लिए, ये आप लेंस बना लेना, आप थोड़ा सिस्टमेटिक बनाना। अनंत और 2f के बीच में वस्तु को ये हम रख दिए, ये वस्तु हो गया। अब आपको मैं एक तरीका बता रहा हूँ कि सबसे पहले आप प्रकाश केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण को ड्रा कर लीजिए। सबसे पहले इस तरह से एक प्रकाश में आप कहाँ से होकर लेके जाइए, प्रकाश केंद्र से। ये आप सावधानी रखना, जैसे स्ट्रिक्स में बता रहा हूँ, ये भी वस्तु है। अब आपको चार्ट याद है तो पता है कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाना है, तो दूसरी प्रकाश की किरण को आप ले लीजिए मुख्य अक्ष के समानांतर। ये मुख्य अक्ष के समानांतर ले लिया मैं, तो पहली प्रकाश की किरण ये, दूसरी ये, इसको हम प्रकाश केंद्र से लेके गए, इसलिए सीधी निकल गई। अभी रूल्स बताया मैं आपको। अब दूसरी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर है, तो कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से। तो आप इसको मोड़ने के लिए स्वतंत्र है, जहाँ आपको जरूरत है। लेकिन आपको पता है कि आपका वस्तु इतना बड़ा है, तो प्रतिबिंब आपको छोटा बनाना है, तो उसको नज़दीक में आप इसके साथ में कटा दीजिए। ये तो मैंने यहाँ पर इसको इंटरसेक्ट किया, तो ये इसका इमेज होगा, ये इसका प्रतिबिंब होगा। तो देखिए ये मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है और ये फोकस से होकर चली जाती है। अब नाम को इसके बाद लिखिए, वस्तु हमारा कहाँ है, अनंत और 2f, दैट मीन्स ये 2f इधर है और 2f के बाहर मतलब अनंत, तो वस्तु हो गया 2f और अनंत के बीच में। प्रतिबिंब कहाँ पर बनना है, 2f और f के बीच में बनना है, तो f तो मैंने यहाँ पर लिखा है, अब यहाँ पर लिख दूंगा क्या, 2f। तो देखिए प्रतिबिंब कहाँ बन गया, f और 2f के बीच में बन गया। और उसका नेचर कैसा है, उसकी आकृति वस्तु से छोटा, देखिए वस्तु से छोटा बना है, और क्या है, उल्टा उल्टा बना है, और इसलिए क्या है, वो वास्तविक है। तो यदि आप चार्ट प्रिपेयर हो आपको, तो फिगर बनाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, बस ये प्रैक्टिस का मैटर है। मैं जो टेक्निक बता रहा हूँ, मेरे पढ़ाने के बाद आप उसको घर में एक बार बहुत आसानी से बनाने का प्रयास करिए, तो बन जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं थर्ड पोजीशन। थर्ड पोजीशन में क्या पोजीशन है इसका, थर्ड इंपॉर्टेंट है। देखिए थर्ड पोजीशन में वस्तु कहाँ पर हो, 2f में हो। अब वस्तु 2f, चार्ट आपको याद रहेगा तो आप प्रॉपर वैसी फिगर को बनाएंगे। सपोज आपको चार्ट याद नहीं है, तब तो फिर पॉसिबल नहीं है, फिगर बनाना संभव ही नहीं है। तो ये आप सबसे पहले वही काम करिए, ये मुख्य अक्ष खींच लीजिए। सबसे पहले मुख्य अक्ष ही खींचना होता है, उसके बाद यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस में एक लाइन ले लीजिए, ये। अब वस्तु कहाँ पर है, 2f में। ये 2f में वस्तु को रख दिया। एक प्रकाश की किरण आप कहाँ से होके जाइए,
ले जाइए मुख्य ये प्रकाश केंद्र से होके। ये अब दूसरी प्रकाश की किरण को फोकस से, अब आपको पता है चार्ट से कि वस्तु के बराबर की आकृति का इमेज बनना चाहिए। तो इतना बड़ा वस्तु है तो नेचुरली देखिए मैं अंदाज से यहाँ बना उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा ये। तो ये प्रतिबिंब मैं बना दिया पहले से इसको मेजरमेंट करके, सपोज इसको 2 सेंटीमीटर का तो इसको भी 2 सेंटीमीटर का बना दिया। और दूसरी प्रकाश की किरण को अब इसके शीर्ष से होके लेके जाएंगे अपन। ये टेक्निक है बनाने का इस तरह से, और ये दूसरी प्रकाश की किरण। तो देखिए क्या हुआ यहाँ पर, जो प्रकाश की किरण प्रकाश केंद्र से होकर जाती है वो सीधी निकल जाती है, और जो फोकस के समय प्रकाश केंद्र के समांतर वो फोकस से होकर जाती है, दोनों एक दूसरे को काटते हैं और ये उसका प्रतिबिंब बनता है। मान लो ए बी वस्तु है तो ए डैश बी डैश प्रतिबिंब है। अब पोजीशन कहाँ है वहाँ से 2F, तो ये 2F पर है ये, तो यहाँ पर भी आप क्या लिख दो 2F लिख दो, क्योंकि जहाँ वस्तु है उतने ही दूर में प्रतिबिंब भी बनता है और उतने ही साइज का बनता है जितना बड़ा वस्तु होता है। तो ये चार्ट आपको प्रिपेयर होने के बाद ज़्यादा प्रॉब्लम बनाने में नहीं है। क्लियर। अब हम इसका देखते हैं फोर्थ पोजिशन, फोर्थ पोजीशन में क्या हो, 2F और F के बीच, जब वस्तु 2F और F के बीच में हो। अब आप वस्तु बना दीजिए कहीं पर भी, पहले से पोजीशन कहीं पर लिखना नहीं है ये। अब वो है 2F और F के बीच की, मतलब इधर 2F इधर F है। पहली प्रकाश की किरण को तो आप कुछ नहीं करना है, सीधा प्रकाश केंद्र से, ये काम तो आपको हर फिगर में करना है। ये पहली प्रकाश की किरण को हम प्रकाश केंद्र से होकर लेके चले गए इस तरह से। दूसरी प्रकाश किरण आप ले लीजिए मुख्य अक्ष के समानांतर, ये ले लिया मुख्य अक्ष के समानांतर, ये सीधी चली। अब इसको फोकस से लेके जाना है, अभी मोड़िए मत उसको, पहले देखिए कि प्रतिबिंब क्या सा बनना है, बड़ा बनना है। तो बड़ा प्रतिबिंब बनाना है तो ये इस साइज का है, आप पहले से यहाँ पर बड़ा प्रतिबिंब बना दीजिए। ये देखिए ये प्रतिबिंब बड़ा हो गया इससे। अब ये प्रतिबिंब बना कैसे है, इस प्रतिबिंब को बनने के लिए ये वाली प्रकाश की किरण को अब इस पर शीर्ष से टच कराते हुए ले जाते हैं। क्लियर। ऐसा तो ये प्रतिबिंब बन गया ए डैश बी डैश, ये वस्तु है क्या ए बी। पोजीशन को लिख दीजिए, वस्तु कहाँ है 2F F के बीच में है, तो इधर आप लिख दीजिए 2F और यहाँ लिख दीजिए F। देखिए 2F और F के बीच में आ गया। प्रतिबिंब कहाँ पर बनना है, अनंत और 2F के बीच में, तो अनंत के बाहर 2F के बाहर, तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं अपन 2F, इसको लिख देते हैं F। परफेक्ट फिगर बन जाएगी इस तरह से। तो कुल मिला के एक बात आप देख रहे होंगे कि पूरा ये प्रैक्टिस और टेक्निक की बात है। यदि आप जिस वे में मैं बता रहा हूँ उस वे में यदि आप बनाएंगे तो एक बार भी प्रॉब्लम नहीं होगा, अदरवाइज आपकी प्रकाश की किरणें आगे निकल जाएंगी, पहले काट देंगी, छोटा बनना रहेगा बड़ा बन जाएगा, ये कई तरह का प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, तो ये है फोर्थ नंबर। वैसे हम जब स्कूल लाइफ में पढ़ रहे होते हैं, 9th 10th क्लास में पढ़ रहे होते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस किए होते हैं या उस समय लापरवाही किए होते हैं, और ये बात आप सब अनुभव करते होंगे कि वही, मतलब जितने भी स्टूडेंट्स आप कॉम्पिटिटिव का प्रिपरेशन कर रहे हैं आपको पता होगा कि हम 9th 10th क्लास में जो साइंस है या SST है कोई भी सब्जेक्ट है उसका जो बेसिक फंडामेंटल पढ़े रहते हैं वही हमको दोबारा पढ़ना होता है। कुछ कारणों से उस समय हम लापरवाही किए रहते हैं, ध्यान नहीं देते, वो बाद में उसके लिए हमको थोड़ा सफ़र करना पड़ता है, ये आप सब अनुभव करते होंगे। तो खैर वो एक बार पढ़ने के बाद वो क्लियर हो जाता है, या हम भूल चुके रहते हैं तो रिमाइंड हो जाता है, और कुछ है नहीं इसमें। फिफ्थ नंबर का पोजीशन है कहाँ पर हो, F पर हो। अब ये फोकस पर हो, थोड़ा इधर फिगर कॉम्प्लिकेटेड होते जाता है, थोड़ा ध्यान देंगे। सिक्स तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
ये अब F पर हम वस्तु बना दिए, फोकस में वस्तु बना दिए, सपोज ये वस्तु कहाँ पर है, अब फोकस पर है तो फोकस तो लिखना ही पड़ेगा। एक प्रकाश की किरण को ले जाइए आप प्रकाश केंद्र से, ये तो कंपलसरी है, इसको आप तुरंत ड्रा कर दिया करो ऐसा, ये प्रकाश केंद्र होकर चली गई। अब दूसरी प्रकाश की किरण को हम कहाँ लेके जाएंगे, मुख्य अक्ष के समानांतर लेके जाएंगे ये। अब यहाँ पर आप ध्यान देना कि हमारा कंडीशन क्या कह रहा है कि बहुत बड़ा इमेज बनेगा, लेकिन कहाँ पर बनेगा, अनंत पर। अनंत का मतलब यह है कि वो हमको काटते हुए दिखा नहीं सकते, तो क्या करो आप इसको, इसको पास आते हुए लाके छोड़ दो, थोड़ा ध्यान रखना ना यहाँ पर ये। अब यहाँ इसको कटाना नहीं है, लेकिन दोनों पास आते हुए दिख रहे हैं, देखो कैसे पास आते हुए दिख रहे हैं, यहाँ पर दूर हैं और दोनों क्लोज होते जा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि ये आगे बढ़ के कहीं भी जाके कहाँ पर काटेंगे, अनंत में काटेंगे और इमेज बनाएंगे। लेकिन अनंत चूंकि नॉट डिफाइंड पोजिशन है, अपरिभाषित स्थान है, इसलिए हम उसको उसको दिखाना नहीं है, तो आगे चल के अनंत में काटेंगे, और चूंकि अनंत में काटेंगे तो बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है क्या, बहुत बड़ा, और उल्टा तो बनेगा ही। अब हम देखते हैं इसका छठवां पोजिशन और इसका सिक्स पोजिशन क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सिक्स जो पोजिशन है वो बहुत बार एग्जाम में आता है, पोजीशन सिक्स जब कहाँ हो वह एफ और ओ के बीच में हो। इस एक्चुअल में ये जो कंडीशन है ये सरल सूक्ष्मदर्शी का कंडीशन है, इस कंडीशन को हम सरल सूक्ष्मदर्शी, ठीक है, सूक्ष्मदर्शी मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं, ये सरल सूक्ष्मदर्शी का कंडीशन है। देखिए इसका फिगर किस तरह से बनता है, ये हमने सामने वस्तु रख दिया, पास में रख दिया, उसके एक प्रकाश की किरण आप इसके प्रकाश के अंदर से होके लेके जाइए ये ऐसा, और ध्यान रखना उसी टाइम इसको डॉटेड लाइन से पीछे बढ़ा दो, सेम टाइम में, ये भूलना नहीं, ऐसा ये पीछे बढ़ा दिया। अब दूसरी प्रकाश की किरण को लेके जाओ मुख्य अक्ष के समानांतर, और आगे इसको कुछ करना नहीं है, ऐसा, ये टेक्निक है, थोड़ा ध्यान समझिए। अब यहाँ पर देखिए क्या है, वस्तु की ओर बनेगा प्रतिबिंब, अभी तक उस तरफ बनता था, अब इसका प्रतिबिंब किधर बनेगा, वस्तु की ओर, और कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। तो ये मुख्य अक्ष में एक लंब डाल के इसका प्रतिबिंब आप बना दो, ये प्रतिबिंब है, ये बना कैसे, ये ए बी वस्तु है और ये ए डैश बी डैश प्रतिबिंब है, तो ये बना कैसे है, ये इस तरह से बना है, ये जो प्रकाश की किरण है जिसको हम यहाँ तक फोकस में ला के छोड़े हैं वो आगे चली जाएगी इस तरह से, और जब हम इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ये पहली प्रकाश की किरण को यहाँ पर पीछे बढ़ाने पर काटेंगी। देखो अब एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से सुनना, ये जो प्रकाश की किरण है वो प्रकाश केंद्र से जाती है, सीधी निकल जाती है, और दूसरी प्रकाश में फोकस से जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, फोकस होकर चली जाती है। अब दोनों आगे काटेंगे नहीं, क्योंकि देखो दोनों फैलते हुए दिख रहे हैं, अभी मैंने बताया था उसमें वो पास आ रहे थे, इसमें फैल रहे हैं, मतलब आगे उनके काटने की कोई संभावना नहीं है, इसलिए हमने दोनों प्रकाश किरणों को क्या किया, पीछे बढ़ाया। तो पीछे बढ़ाने पर यहाँ पर एक दूसरे को काटती हैं, अब चूंकि पीछे बढ़ाने पर काटती हैं इसलिए ये प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है, और आप देख रहे हो कैसा है, ये सीधा है, आभासी और सीधा है, ये सिंपल माइक्रोस्कोप या सरल सूक्ष्मदर्शी का कंडीशन कहलाता है। तो ये इसका सिक्स पोजिशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अगेन एंड अगेन आपको ये बात बोल रहा हूँ कि इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, क्लियर। और कभी भी मल्टीपल च्वाइस में भी ये क्वेश्चन आता है तो आपको ये पोजिशन प्रिपेयर होना चाहिए। अब हम देखते हैं अवतल लेंस, अवतल लेंस से, तो अवतल लेंस का एक ही कंडीशन है, क्योंकि अवतल लेंस के सामने फोकस और 2f का कंडीशन नहीं होता, तो इसका एक ही कंडीशन में आप इसको समझ सकते हैं, यह आसान है, जैसे दर्पण में उत्तल दर्पण का एक ही कंडीशन था उसी तरह से। तो ये अपन देखते हैं अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस, एक ही पोजीशन पर, यहाँ पर फिगर एक ही है, तो मैं एक फिगर बता देता हूँ आपको, ये इसके बाद यहाँ पर आप इस तरह से बनाना है अवतल लेंस, एक लाइन यहाँ ले लीजिए और लगभग उतनी बड़ी लाइन आप
नीचे भी ले लीजिए और इसको अंदर की ओर दबाते हुए ऐसा कान के ऊपर सरफेस खींच लीजिए। ये अवतार लेंस हो गया। अवतार लेंस के सामने आप वस्तु रख दीजिए। ये मैंने वस्तु रखा यहाँ पर। एक प्रकाश की किरण को प्रकाश केंद्र से ले जाना है और उसको कैसे ले जाना है, सीधा ले जाना है। ये हम सीधी लेके चले गए इस तरह से। दूसरी प्रकाश की किरण को आप छक छके समानांतर लाइए। यदि दर्पण में आप लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। ये और ये फैलती हुई चली जाएगी इस तरह से। तो इस प्रकाश की किरण को आप इधर फैला दो और उसी टाइम में क्या करो, इसको आप पीछे बढ़ा दो ऐसा। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये इधर चली जाती है क्योंकि प्रकाश किरण फैलती है। इसको पीछे बढ़ाने पर यहाँ पर काटती है पहली प्रकाश किरण को, तो ये बनेगा इसका प्रतिबिंब। ए भी वस्तु है और ए डैश बी डैश प्रतिबिंब है। तो क्या होगा उसकी स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति कैसे होगा? फिगर से आप देखो, यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति हमेशा लेंस और वस्तु के बीच, लेंस तथा वस्तु के बीच बनेगा। पहला कंडीशन, पहला। दूसरा, उसकी आकृति, उसकी आकृति क्या होगी? वस्तु से छोटी, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा हो जाएगा। देखो ये इतना बड़ा वस्तु है और इतना छोटा प्रतिबिंब है। और तीसरा, ये सीधा बना हुआ है, देखिए ये हमेशा सीधा बनेगा और इसलिए हमेशा इसका प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी। ये इसका क्रॉस एक्सप्लेनेशन है कि ऑलवेज ऑलवेज द पोजिशन ऑफ इमेज इज बिटवीन लेंस एंड ऑब्जेक्ट एंड इट्स साइज इज ऑलवेज लेस देन ऑब्जेक्ट एंड इट्स नेचर इज इरेक्ट एंड इनवर्ट इरेक्ट एंड वर्चुअल। ठीक है, इरेक्ट और मतलब सीधा और आभासी बनेगा। ये सब इमेज के बारे में पहले आपको पढ़ा चुका हूँ। ये है प्रतिबिंब रचना के नियम, यही चैप्टर का मुख्य पोर्शन है। इसके बाद कुछ छोटे छोटे कंटेंट्स इसमें हैं जो आते हैं एग्जाम में, वो है रैखिक आवर्धन, कुछ फार्मूले। पहले मैं आपको पढ़ा दूँ इसका पावर, शक्ति, लेंस की शक्ति। लेंस की शक्ति, पावर ऑफ लेंस। अपन बोलते हैं ना कि मेरे पावर, मेरे गागल्स का, मेरे चश्मे का पावर इतना है, वही पावर है ये। और पावर का फार्मूला होता है पावर इक्वल टू 1/f जब इसको मीटर में मापा जाए, और इसका मात्रक होता है डायोप्टर। डायोप्टर इज द यूनिट ऑफ पावर। तो पावर इक्वल टू 1/ फोकल लेंथ होता है जो कि मीटर में मापा जाता है। यदि सेंटीमीटर में हो तो 100/f जब इसको किस में मापा जाएगा, सेंटीमीटर में। तो ये लेंस के पावर का फार्मूला होता है। इसके बाद लेंसों का समूहन, सपोज हम दो या दो से अधिक लेंसों को, लेंस को जोड़ना, लेंस का समूहन। ये छोटा सा फार्मूला है, मैं इसलिए बता रहा हूँ, छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। लेंस का समूहन मतलब लेंसों को जोड़ना। तो दो या दो से अधिक लेंस हम जोड़ दिए, सपोज ये एक लेंस है, एक और लेंस है और तीसरा लेंस है, ऐसे लेंस को जोड़ दिए, तो इसका जो संयुक्त फोकस दूरी होती है 1/f इक्वल टू 1/f1 माने पहले की फोकस दूरी प्लस 1/f2 दूसरे की प्लस 1/f3 ऐसा जितना होगा, ये 1/1 हम आप करके ये योग होते जाता है। ये आप इसको देख लेंगे। और एक फार्मूला होता है इसका रैखिक आवर्धन, जैसे दर्पण में होता है। तो रैखिक आवर्धन m इक्वल टू होता है वस्तु की लंबाई बटे वस्तु प्रतिबिंब की लंबाई, और या v/u। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यदि हमको इसका रैखिक आवर्धन निकालना है तो प्रतिबिंब की लंबाई में वस्तु की लंबाई को भाग दे देते हैं, या प्रतिबिंब की दूरी में वस्तु की दूरी को भाग दे देते हैं। ये कहलाता है रैखिक आवर्धन। और ये फार्मूला है लेंस समीकरण। इसका जो लेंस समीकरण होता है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v होता है। इसकी सहायता से हम u, v और f का कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे हमको u का मान दिया हो, v का मान दिया हो, तो दोनों मान को भर के हम f का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये कुछ फार्मूले मैंने बताया, पावर का फार्मूला, लेंसों को जोड़ने का फार्मूला, रैखिक आवर्धन का फार्मूला और लेंस का समीकरण।
इसके बाद इस चैप्टर में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हमेशा हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, वो है मानव नेत्र का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। वो जो हमेशा बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन है जो हमेशा आता है वो है मानव नेत्र में मतलब ह्यूमन आई में होने वाले दोष और उसका निवारण, कि दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ये क्या होता है, ये मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि हर कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन कवर होता है लेंस में। क्लियर? तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नेत्र का दोष, मानव नेत्र में दोष, डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। देखो हमारा जो नेत्र है, हमारे आँख में जो लेंस लगा हुआ है वह लेंस किस प्रकार का लेंस होता है यह आप ध्यान रखना। हमारे आँख में नेचर ने उत्तल लेंस लगाया है, यह पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि मानव नेत्र में लगा हुआ लेंस कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। क्लियर? अब इसकी एक खास बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सुन के बहुत आश्चर्य होगा कि पूरे ह्यूमन बॉडी में जितने भी हमारे ऑर्गन्स होते हैं, जितने भी पार्ट्स होते हैं, उसमें आँख में लगा हुआ लेंस, ओनली लेंस ना, क्योंकि ह्यूमन आई के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, मैं ओनली लेंस की बात कर रहा हूँ, तो उसमें लगा हुआ लेंस एक ऐसा चीज़ है जिसमें जन्म से मृत्यु तक कोई वृद्धि या कोई उसमें कमी नहीं होती। नाखून भी बढ़ते हैं, बाल भी बढ़ते हैं, लेकिन ह्यूमन आई में लगा हुआ जो लेंस है उसका साइज फिक्स रहता है, क्योंकि उसका साइज यदि चेंज होगा तो उसका फोकल लेंथ चेंज हो जाएगा, और फोकल लेंथ जब चेंज होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारी पूरी दृष्टि चेंज हो जाएगा। लेकिन कभी किसी कारण से आँख में इस तरह का परेशानी हो तो वही क्या होता है, उसका डिफेक्ट होता है, कि बाई द वे आँख नॉर्मल है तो लेंस का साइज कांस्टेंट रहेगा, लेकिन किसी कारण से यदि हमारे लेंस में किसी प्रकार का परिवर्तन आए तो वो डिफेक्ट हो जाता है, उसमें दोष आ जाता है, और यह दोष को हमको पढ़ना है। तो दोष यहाँ पर, दोष के प्रकार, इसमें जो दोष हैं उसमें सबसे पहले निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, इंग्लिश में बोला जाता है इसको शॉर्ट साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस। सेकंड इज दूरदृष्टि दोष, जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग लॉन्ग साइटेडनेस, एंड ये तीसरा है जरा, जरा मतलब होता है बुढ़ापा, बुढ़ापे के कारण, एज के कारण जो होता है उसको प्रेस बायोपिया बोलते हैं, बायोपिया। और फोर्थ होता है, ये था फोर्थ नंबर का दृष्टि वैषम्य में, ये आपको ज्यादा पढ़ने को नहीं मिलेगा, दृष्टि वैषम्य उस लिए ध्यान नहीं आ रहा है, ये दृष्टि वैषम्य में एक होता है, मैं बताता हूँ लास्ट में आपको, ये मेन तीन है। अब यहाँ पर देखें निकट दृष्टि दोष, शॉर्ट साइटेडनेस, नाम से कंफ्यूजन होता है बहुत लोग को। निकट दृष्टि दोष में सुनने से ऐसा लगता है कि पास का चीज नहीं दिखाई देता होगा, लेकिन ऐसा नहीं, पास का दिखता है, भले ही निकट के साथ दृष्टि दोष जुड़ा है लेकिन उल्टा काम होता है। इसमें निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट का वस्तु दिखाई देता है, और उसका कारण क्या है, मैं यहाँ पर आपको फिगर से एक्सप्लेन करूँ तो समझ में आएगा। ये सपोज ह्यूमन आई का कंडीशन है, यहाँ पर लेंस लगा हुआ है, ये हमारा लेंस है और यहाँ पर इमेज इसका बनना है। अब इसमें होता क्या है, ये जो प्रकाश की किरणें आती हैं, ये समानांतर प्रकाश की किरणें आती हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, ये दोष होने के कारण प्रकाश की किरणों को यहाँ पर एक दूसरे को काटना चाहिए, लेकिन वो पहले नज़दीक में काट देती है यहाँ, तो इमेज यहाँ बनना था और इमेज यहाँ बन जाता है, नज़दीक में बन जाता है, इसीलिए इसको बोला जाता है निकट दृष्टि दोष, क्योंकि इमेज आँख के निकट बन जाता है। अब इसको दूर करने के लिए यहाँ पर मैं उपाय लिखते जा रहा हूँ, इसका मैं उपाय, आप ध्यान समझेंगे, ये दोष है और नीचे में उपाय, इसके नीचे ही लिख दूँ आपको समझ जाएगा, इसको
दूर करने के उपाय कि कौन सा इसमें लेंस लगाते हैं, तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए लगाते हैं अवतल लेंस। अवतल लेंस अब कैसे देखो, अवतल लेंस लगाने से क्या फायदा होगा? अभी मैंने आपको बताया कि अवतल लेंस क्या करता है, प्रकाश के किरणों को फैलाता है। तो मान लो यहां पर मैं एक अवतल लेंस लगा दिया, डॉक्टर ने हमको यहां पर अवतल लेंस यहां लगवा दिया। अब इससे होगा क्या कि अवतल लेंस क्या करता है, प्रकाश की किरणों को फैलाता है। तो ये जो प्रकाश की किरणें हैं, अब यहां से ये प्रकाश की किरणें फैल जाएंगी और ये अब इस प्रकार से फैल के सही जगह में काटने लगेंगी यहां पर। अब यहां पर इमेज बनेगा तो हमारा दोष क्या होगा, दूर हो जाएगा। इस तरीके से हम अवतल लेंस लगा के उसको दूर कर सकते हैं, ये है इसका उपाय। इसके बाद दूरदृष्टि दोष को दूर करने का उपाय, इसका उपाय क्या है, इसको दूर करने के लिए उत्तल लेंस लगाते हैं। उत्तल, ये थोड़ा कंजेस्टेड हो गया, थोड़ा ध्यान समझ लेंगे। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। क्यों? दूरदृष्टि दोष में होता क्या है, फिगर्स में समझाता हूं। देखिए आंख है, ये लेंस है, यहां से जो प्रकाश किरणें आती हैं वो प्रकाश की किरणें दूर में एक दूसरे काटती हैं ये। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इसको निकट दृष्टि दोष क्यों करते हैं, क्योंकि निकट में काट देती है। इसको दूर क्यों बोलते हैं, क्योंकि दूर में काटती है। अब यहां पर यदि हम उत्तल लेंस लगा दें तो उत्तल लेंस क्या करता है, प्रकाश किरणों को केंद्रित करता है। तो यहां पर क्या है, नजदीक में केंद्रित करके यहां बनाएगा, जो यहां बनने वाला था वो सही जगह में बनने लगेगा, इस तरह से। इसके बाद जो बुढ़ापा के लिए जो होता है, मतलब आफ्टर 40 ईयर नियर अबाउट, डॉक्टर लोग ऐसा बताते हैं कि 40 साल के बाद इस तरह सा कंडीशन आ जाता है हमारे मसल्स वगैरह में चेंजेस के कारण। तो बुढ़ापे के कारण जो अपने को प्रॉब्लम होता है, प्रेस बायोपिया, ये क्या होता है, इसको दूर करने के लिए हम द्विफोकसी, बाईफोकल, द्विफोकसी, बाईफोकल, बाईफोकल लेंस का उपयोग करते हैं। मतलब इसमें डबल फोकल लेंस होता है जो जनरली हम लोग पहनते हैं एक एज के बाद, वो होता है। और दृष्टि वैषम्य एक अलग तरह का चीज है। दृष्टि वैषम्य में होता क्या है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। दृष्टि वैषम्य में जैसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्षैतिज रेखाएं हैं, और ये ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं, मतलब जाली, नेट। तो जिनको इस तरह का प्रॉब्लम होता है दृष्टि वैषम्य का, वो क्या है, इस नेट को नहीं देख पाते। मतलब वो हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा में वो भेद नहीं कर पाते, उनको जाली ढंग से नहीं दिखाई देता, नेट ढंग से दिखाई नहीं देता। इस तरह के दोष को हम दृष्टि वैषम्य कहते हैं। और इसको दूर करने का जो उपाय है वो बेलनाकार लेंस यूज करते हैं, सिलेंड्रिकल। तो ये मैं आपको एक इंट्रोडक्शन बताया मानव नेत्र से संबंधित, उसके दोष से संबंधित। ये जनरली किसी न किसी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक बार मैं आपको रिपीट कर दूं, निकट दृष्टि दोष ऐसा दोष है जिसमें पास का वस्तु साफ दिखाई देता है लेकिन दूर का वस्तु साफ दिखाई नहीं देता। इसको दूर करने के लिए अवतल लेंस उपयोग में लाते हैं। दूरदृष्टि दोष ऐसा दोष है जिसमें दूर का वस्तु साफ दिखाई देता है, पास का वस्तु साफ नहीं दिखाई देता। इसको दूर करने के लिए उत्तल लेंस उपयोग में लाते हैं। जरा दृष्टि दोष जो बुढ़ापे के कारण होता है, उस दोष में वस्तु ढंग से नहीं दिखाई देता, उसमें द्विफोकसी लेंस अपन यूज करते हैं। और दृष्टि वैषम्य जो होता है, इसमें क्या है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं में हम भेद नहीं कर पाते, इसे दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। तो ये है हमारा, यहाँ पर कंप्लीट करता हूँ मैं अपवर्तन का सेकंड पार्ट, जहाँ पर हमने गोली पीछे से अपवर्तन पढ़ा। और इसको मैं कॉम्पिटिटिव के बेस पर ही आपको पढ़ा रहा हूँ, बहुत कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ा रहा हूँ आपको। इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा वो इलेक्ट्रिसिटी पर है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विद्युत को कंप्लीट कवर करके हम 2 या 3 वीडियो में इलेक्ट्रिसिटी का जितना पोर्शन है, बेसिक फंडामेंटल से लेके विद्युत उपकरण, मोटर, डायनेमो तक हम उसको कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।